हेलो व्हाट्सअप गाइस, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अनमोल और आपका मैं सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम फूड एंड इंटीरियर है। और आज हम आपको एक डोसा सेंटर के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम है अन्ना डोसा सेंटर। दोस्तों, इस डोसा सेंटर की शुरुआत 30 साल पहले की गई थी और मैं आपको बता दूँ उस समय 1 रुपये में डोसा बेचा जाता था। ये सारी बातें हम मुझे वहाँ के जो ओनर थे उन्होंने बताई, और भी ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री उन्होंने अपने काम के बारे में बताई। तो चलिए आपको इस साउथ इंडियन फूड के बारे में बताते हैं, उनका जो स्वाद है वो बताते हैं और सारी डिटेल्स देते हैं। ये रेहड़ी जबलपुर में एम्पायर टाकेज के पास सुबह 7 बजे लग जाती है और इनके यहाँ आप जब भी आएंगे तो आपको ऐसी ही भीड़ देखने को मिलेगी। बात अगर इनके स्वाद की करें तो इनके यहाँ का स्वाद अलग ही लेवल का होता है। डोसा, इडली, बड़े, सेजवान डोसा, पनीर डोसा, उत्तपम सभी यहाँ आपको मिल जाएगा। बात अगर इनके रेट्स की करें तो 80-90 रुपए के अंदर ही अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ का जो स्वाद है ना दोस्तों, वो ऐसा है कि यहाँ आसपास के जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, ऑफिस के लोग हैं और जो आर्मी एरिया के लोग हैं वो सुबह सुबह कभी कभी इन्हीं के यहाँ आकर नाश्ता करते हैं। और ये जो भैया लोगों को आप देख रहे हैं, ये 7 से 8 लोग हैं जो इस रेहड़ी में फूड को प्रिपेयर करते हैं और सर्व करते हैं। मैंने इनका नाम डोसा सेवेंजर्स रखा है। ऐसा क्यों, मैं आपको आगे बताऊँगा। पहले आपको उन भैया से मिलाता हूँ जो इस रेहड़ी के ओनर हैं। उनका 30 साल का क्या एक्सपीरियंस है, आप उन्हीं से सुने। आप पूछते हैं, बोलते हैं प्रॉपर एड्रेस क्या लगता है यहाँ? प्रॉपर एड्रेस एम्पे टैगिस लगता है। और क्या नाम है आपका? अन्ना डोसा सेंटर से आता अपना ये। कितने साल हो गए ये? 30 साल हो गया, 30-32 साल हो गया अपने को। प्रॉपर यहीं नहीं, पहले स्टेशन में थे, स्टेशन से फिर अपन यहाँ आ गए प्रॉपर यहीं। और दूसरा पुल में भी अपना है, घर के अंदर भी चलता है, गली में दोनों जगह चलता है, सब साथ ही में काम। कितने लोग हैं यहाँ पर? 7-8 जने हम लोग। 7-8 बहुत अच्छा, मतलब बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, बहुत जगह से आते हैं। आर्मी पूरा कवर होता है अपना, आर्मी एरिया हो गया। और ये स्टेशन सब स्टेशन ही से ही मेरा स्टार्ट हुआ था ये डोसा इडली का। सब 2 रुपये 1 रुपये से स्टार्ट हुआ मेरा ये डोसा। 1 रुपये की इडली बेचता रहा, 2 रुपये का डोसा बेचता रहा मैं, तब से मेरा स्टार्ट। पापा बनाते रहे, जब चूल्हा था हमारे पास, गैस सिलेंडर भी नहीं था, जब से स्टार्ट है ये। बस हाँ, जब कोई जबलपुर में कोई डोसे का ठेला भी नहीं था, ये पहला ही मेरा ही ठेला है जो जबलपुर का, जो मैंने स्टार्ट किया था सब्जी के ठेले से स्टार्ट किया था इस ठेले को मैंने। क्या नाम दिया? आनंद रेड्डी है मेरा नाम। और ये सब भैया लोग घर ही के हैं? हाँ, सब घर ही के, सब साथ में ही काम करते अपने। दोस्तों, इनका नाम मैंने डोसा सेवेंजर्स इसलिए रखा है क्योंकि जितने भी लोग इस रेहड़ी को चलाते हैं वो हमेशा ही एक बड़े अच्छे मूड में होते हैं और एक दूसरे से बड़ी अच्छी कॉमेडी भी करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये पूरे दिल से आपको फूड सर्व करते हैं। इनसे मिलते हुए मुझे लगभग 3 साल हो रहा है। इनसे मैंने एक चीज़ सीखी है दोस्तों, अगर हमारा साथ देने वाले, हमारा सपोर्ट करने वाले लोग हमारे साथ दिल से जुड़े हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आज जिन लोगों को हम सभी सेवेंजर्स के नाम से जानते हैं, वो लोग आज अगर इतना नाम अपना बना पा रहे हैं तो सभी की मेहनत और सभी के साथ से ही बना पा रहे हैं। मेरे भी साथ कुछ लोग ऐसे ही हैं जो मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। उनमें से एक ये है, मेरा छोटा भाई शुभम, जो हमेशा ही मुझे मोटिवेट करता रहता है और मेरा सपोर्ट करता है। तो अगर आप जबलपुर से हैं और अभी तक यहाँ के साउथ इंडियन फूड को ट्राई नहीं किया तो एक बार ज़रूर करें। यहाँ का एड्रेस, यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, नर्मदे हरि।